माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी यानी उनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए उन्हें श्वेतारंभधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। उनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। यह अमोद फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। एक और मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफ़ी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने दयाभाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। जय माता जी।